अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होम्योपैथिक फार्मेसी में वैक्सेस या सिंपल लिपिड। वैक्सेस या सिंपल लिपिड जो है इसे कह सकते हैं। जो वैक्सेस है आर सॉलिड ईस्टर। एग्जैक्टली क्या है ये? सॉलिड ईस्टर है ऑफ हायर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हायर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड हायर फैटी एसिड। सॉलिड ईस्टर ऑफ हायर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या हायर फैटी एसिड, ठीक है, अदर देन ग्लिसरॉल। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। आगे बात करेंगे टाइप्स की। तो जो वैक्सेस है या सिंपल लिपिड है ये कॉमनली तीन वैरायटी के होते हैं। पहला है बीस वैक्स, ठीक है। और ये भी दो टाइप का होता है, येलो बीस वैक्स और दूसरा होता है वाइट बीस वैक्स, ठीक है ना। तो पहला वैरायटी क्या है? बीस वैक्स, जिसके दो टाइप हैं, येलो बीस वैक्स एंड दूसरा है वाइट बीस वैक्स, ठीक है। आगे बात करेंगे, सेकंड टाइप है लेनोलिन। दूसरा टाइप होता है लेनोलिन, ठीक है ना। और तीसरा होता है स्पर्मेसिटी। तीसरा वैरायटी है स्पर्मेसिटी। पहला है बीस वैक्स, दूसरा है लेनोलिन और तीसरा है स्पर्मेसिटी। तीन वैरायटी के क्या मिलते हैं हमें? वैक्सेस मिलते हैं, ठीक है। हम पहला देखते हैं येलो बीस वैक्स। बीस वैक्स देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे येलो बीस वैक्स। येलो बीस वैक्स को सेरा फ्लेवा या बैंग मूम, ठीक है। सेरा फ्लेव या बैंग मोम कहा जाता है, कह सकते हैं। सोर्स एग्जैक्टली जो है येलो बीज वैक्स जो है कहाँ से मिलता है? सिक्रीशन फ्रॉम एपिस मेलिफिका एंड एल अदर स्पीसीज एपिस, ठीक है ना। एपिस मेलिफिका या एपिस मेल के अदर जो फैमिलीज हैं उसका जो सिक्रीशन फॉर्म होता है उससे। और एग्जैक्टली जो ये स्पीसीज जो सिक्रीशन फॉर्म करती हैं इनका जो है यूज एग्जैक्टली किस लिए करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑफ हनी कॉम को फॉर्म करने के लिए ये जो सिक्रीशन है उसका यूज़ करती हैं। ये इंसेक्ट्स जो है उस सिक्रीशन का यूज़ के लिए कर रहे हैं, हनी कॉम को फॉर्म करने के लिए कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली फॉर्म क्या हो रहा है? हनी कॉम। और इस हनी कॉम से हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली वैक्सेस को फॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली किसको फॉर्म कर रहे हैं? येलो बी वैक्स को हम क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखते हैं। हनी कॉम लेते हैं, हनी कॉम में से क्या करेंगे हम लोग? हनी को रिमूव करते हैं। हनी कॉम लिए, हनी कॉम में से हमने क्या किया? हनी को रिमूव कर दिया। उस कॉम को हमने क्या कर दिया? मेल्टेड विथ हॉट वाटर, गर्म पानी में क्या करते हैं? उसको मेल्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसलिए मेल्ट करते हैं कि उस कॉम में यदि थोड़ा बहुत भी हनी बचा है तो वो क्या हो जाएगा? उससे वॉश हो जाएगा। जैसे ही हम कॉम को हनी कॉम लेते हैं, हनी कॉम से हनी को निकालते हैं, उसका जो बचा कॉम होता है उसको हम गर्म पानी में मेल्ट करते हैं। इसलिए मेल्ट करते हैं ताकि उस कॉम में बचा हुआ जो हनी है वो कैसा हो जाएगा? रिमूव हो जाए, वॉश हो जाए। उसके बाद उससे हम क्या करते हैं? लिक्विड को ठंडा करते हैं और देखते हैं जो बीज वैक्स है इज सेपरेटेड एट द सरफेस एज अ सॉलिड केक। तो बेस में हमको क्या मिलता है? जो बीज वैक्स है वो सेपरेट हो जाती है एक सॉलिड केक के फॉर्म में, ठीक है ना। और उससे हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्टेड कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से येलो बीज वैक्स को हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। आगे देखते हैं कंपोजिशन। जो येलो बीज वैक्स है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है? माइरिसिन। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? माइरिसिन होता है 80% क्या होता है उसमें? माइरिसिन होता है, ठीक है। और 15% उसमें क्या होता है? सेरोटिक एसिड। क्या होता है? सेरोटिक एसिड उसमें होता है, 15% होता है सेरोटिक एसिड और माइरिसिन जो होता है 80% होता है उसमें। उसका फॉर्मूला आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे
प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन बनता है, कंपोजिशन भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत आता है, प्रॉपर्टीज भी आती हैं, एग्जाम में भी आती हैं। येलो ग्रेइश ब्राउनिश सॉलिड, येलो ग्रेइश ब्राउनिश सॉलिड होता है, हनी लाइक इसकी सुगंध होती है, अडोर होती है, फेंट टेस्ट होता है, ब्रिटल वैन कोल्ड, जब ठंडा होगा तो कैसा हो जाएगा, ब्रिटल नेचर का हो जाएगा, एंड प्लास्टिक नेचर का हो जाएगा वैन वार्म, जैसे गर्म होगा तो क्या होगा, प्लास्टिक नेचर का हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में क्या होता है ये, इनसॉल्युबल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये कहते हैं स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड एल्कोहल, ये कोल्ड एल्कोहल में थोड़ा सा क्या होता है, सॉल्युबल होता है, लेकिन कंप्लीट सॉल्युबल जो हमको मिलता है वो मिलता है ईथर में एंड फिक्स्ड वॉलेटाइल आयल में, क्या में मिलता है, फिक्स एंड वॉलेटाइल ऑयल में क्या मिलता है हमें, एंड ईथर में क्या मिलता है, कंप्लीट सॉल्युबल मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 60-65% होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 60-65% इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यदि हमारे पास कोई येलो बीज वैक्स पड़ा हुआ है और वाकई वो येलो बीज वैक्स है नहीं है तो उसको हम कैसे पता करेंगे, उसमें हम देखेंगे एसिड की वैल्यू, यदि उसमें हमें एसिड की वैल्यू 17-23 मिलती है, 17-23 मिलेगी एसिड वैल्यू, और आयोडीन की वैल्यू मिलेगी 8-11, 8-11 क्या मिलती है हमको, आयोडीन की वैल्यू मिलती है, यदि ये वैल्यू हमको उसमें मिल रही है दैट मीन्स वो ओरिजिनल क्या है, येलो बीज वैक्स है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे यूज़, इसका यूज़ होता है स्टिफनिंग एजेंट के रूप में, स्टिफनिंग एजेंट के रूप में या येलो ऑइंटमेंट बनाने के लिए, येलो ऑइंटमेंट बनाने के लिए या स्टिफनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। आगे बात करेंगे वाइट बीज वैक्स, वाइट बीज वैक्स जो है क्या है, वाइट बीज वैक्स को हम लोग बोलेंगे सेरा एल्बा, क्या बोलते हैं इसे, सेरा एल्बा बोलते हैं, और ये ब्लीचिंग वेराइटी है येलो बीज वैक्स की, येलो बीज वैक्स की ये कौन सी वेराइटी है, कौन सा टाइप है, ब्लीचिंग वेराइटी है, और इसका यूज़ होता है एग्जैक्टली एज अ कंपोनेंट ऑइंटमेंट के कंपोनेंट के फॉर्म में। कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसका है, वैक्सेस का है, या हम बोलेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, येलो बीज वैक्स का एंड वाइट बीज वैक्स का है कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक, जो एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन आ सकता है इसका, कंपोजिशन आ सकता है, यूजेज इसका आ सकता है, सॉल्युबिलिटी आ सकती है इसकी, एंड सोर्स कहाँ से होता है वो आपको आ सकता है, टाइप्स आ सकता है, एंड इसका जो डेफिनेशन है वो आपको आना है, कॉमन नेम्स भी जो हैं इसके जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं।